हम देखते हैं कि समाज में चारों तरफ आज किस तरह की चुनौतियां हमारे बीच हैं। कोरोना का जो दूसरा दौर आया है, जो सेकंड वेव, सेकंड स्ट्रिंग जो बोलते हैं, सेकंड स्ट्रेन जो बोलते हैं, उसमें तो और भी अधिक चुनौतियां बढ़ गई। ये चुनौतियां सिर्फ चिकित्सा की चुनौतियां नहीं है, जिसको ये लोग सिर्फ वैज्ञानिक जो लोग सिर्फ वैज्ञानिक चुनौतियां या चिकित्सकीय चुनौतियां मान रहे हैं, वो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक युद्ध भी है, एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक युद्ध भी है। तेजी से आगे बढ़ रहे भारत की विकास की गति को रोकने का मनोवैज्ञानिक युद्ध है, और इसमें बहुत सारी विदेशी ताकतें तो हैं ही, साथ ही हमारे देश की भी बहुत सारी ताकतें पूरी बराबरी से इस कार्य में लगी हुई। इसलिए आप देखते हैं कि जो भी बात वहां पर आती है, वो सारी जगह पे एक जैसी बात ही आपको नजर आती है। अगर दुख है तो सब जगह आपको एक तरह के चित्र नजर आएंगे, अगर स्टेटमेंट्स हैं तो वो भी सब एक तरह के नजर आएंगे, कहीं आपको अगर कोई बातें बताई जाएंगी, रैली बताई जाएगी, तो सब चीजें एक तरह की बताई जाएंगी। ऐसा कहीं होता है क्या? ये सारा डिजाइन होता है, तब होता है, और ये डिजाइन करने वाले लोग अपनी पूरी मेहनत के साथ भारत की गति को, भारत की प्रगति को, भारत की उन्नति को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ तो भारत ने संकल्प लिया है कि हम भारत को एक बार फिर से विश्व गुरु बनाएंगे, और दूसरी तरफ बहुत सारे लोग हैं अपनी ताकत के साथ भारत के राह में रोड़े अटकाने का काम कर रहे हैं। और इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय शिक्षण मंडल की जो चुनौतियां हैं, भारतीय शिक्षण मंडल का जो काम है, वो पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गया है, पहले से अधिक आवश्यक हो गया है।